आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल में। देखिए अभी हम लोग कवर कर रहे थे बिहार पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के लिए इंजीनियरिंग ग्राफिक्स कवर कर रहे थे, और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में हम लोग VBI MCQ क्वेश्चंस कवर कर रहे थे। इससे पहले हम लोग PYQ MCQ क्वेश्चंस अच्छे से पूरा डिटेल्स हम लोग कवर किए, और सब टोटल मिला के पीछे हम लोग 15 को सेशन कवर कर चुके। आज जो है हम लोग का ये 16वां सेशन है, ठीक है। आज हम लोग पूरा 16वां सेशन कंप्लीट करने वाले हैं और पूरा डिटेल से कवर करेंगे इसमें हम लोग। अभी MCQ का सीरीज चल रही है और हर एक MCQ के सीरीज में हम लोग 25 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। ये रेगुलर वालों के लिए, साथ में अगर आपका कैरी पेपर है तो आप भी देख सकते हैं। और इससे पहले वाला जो भी क्लासेस हुई है सारा का सारा आप प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करें सेशन को। तो देखिए, मेरा नाम है शुभम कुमार, आप लोग देख रहे हैं H2O स्टडी सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल। दिस इज अ पार्ट ऑफ H2O स्टडी, एक H2O स्टडी का पार्ट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो देखिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज नाइदर एन इनलार्जिंग नॉर ए रिड्यूसिंग स्केल। इसमें से कौन सा ऐसा स्केल है जो न तो इनलार्ज स्केल है और न ही रिड्यूसिंग स्केल है। तो इसमें से कौन सा ऐसा स्केल है, इसमें से कौन सा ऐसा स्केल है जो न तो इनलार्ज स्केल है न रिड्यूसिंग स्केल है। मतलब इनलार्ज भी नहीं होना चाहिए और रिड्यूसिंग भी नहीं होना चाहिए, तो बीच वाले एक और बच रहा है फुल साइज स्केल। तो होना क्या चाहिए, तो भैया ना होना चाहिए फुल साइज स्केल, और क्या। ठीक है ना, तो फुल साइज स्केल। तो देखिए, ये 3:2 ये तो इनलार्ज स्केल है, 1:4 ये तो रिड्यूसिंग स्केल है, 1:0.5 ये भी इनलार्ज स्केल है, 1:1 ये एक ऐसा स्केल है जो ना तो इनलार्ज है और ना रिड्यूसिंग है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, वी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ द स्केल। अगर लेंथ ऑफ स्केल निकालना है तो उसके लिए मेरे को कौन सा फॉर्मूला लगाकर कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए, तो RF बराबर होता क्या है, लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ स्केल अपॉन में मैक्सिमम लेंथ। हमसे पूछा जा रहा है लेंथ ऑफ स्केल, तो लेंथ ऑफ स्केल बराबर क्या हो जाएगा, RF गुने ये नीचे वाला मैक्सिमम लेंथ, इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी मैक्सिमम लेंथ मेजर्ड, मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड इनटू RF, मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड यहाँ पे अपॉन में है ना। तो यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड यहाँ पे अपॉन में RF नहीं, तो लेंथ ऑफ स्केल क्या हो जाएगा, RF गुने मैक्सिमम लेंथ। तो ये हो जाएगा मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड गुने RF, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज नॉट इसेंशियल इंफॉर्मेशन टू कंस्ट्रक्ट ए स्केल फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब इसमें से कौन सा हम लोगों के लिए जरूरत नहीं है कोई भी स्केल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अगर वो नहीं भी दिया हुआ रहेगा ना तो हम लोग बना सकते। तो RF ऑफ स्केल ये तो कंपलसरी है, बिना RF के तो ड्राइंग बनाना ठीक पॉसिबल नहीं है। यूनिट टू बी रिप्रेजेंट्स, कौन सा यूनिट मेरे को रिप्रेजेंट करना है, ये भी जरूरत है, तभी ना पता चलेगा कि हमको क्या क्या कौन सा स्केल कितना कितना यूनिट का बनाना है। सो मैक्सिमम लेंथ, कितना मैक्सिमम लेंथ का होना चाहिए, ये भी जरूरी है। तो देखिए, ये जरूरी है, ये जरूरी, ये जरूरी। एक लेंथ ऑफ स्केल, देखिए लेंथ ऑफ स्केल अगर हम लोगों को क्वेश्चन में वैसे भी तो दिया हुआ नहीं रहता, तो लेंथ ऑफ स्केल जनरली हम लोग फाइंड आउट करते हैं, निकालते हैं। तो लेंथ ऑफ स्केल अगर नहीं भी दिया हुआ है तो उसको हम लोग निकाल के कैलकुलेट कर सकते हैं। तो व्हाट इज नॉट इसेंशियल इन्फॉर्मेशन टू कंस्ट्रक्ट स्केल फ्रॉम द फॉलोइंग। तो लेंथ ऑफ स्केल अगर हम लोगों को नहीं भी दिया हुआ रहेगा ना, और अगर RF दिया हुआ है, यूनिट दिया हुआ है, मैक्सिमम लेंथ दिया हुआ है, तो हम लोग लेंथ ऑफ स्केल निकाल के, और जनरली यही दिया ही हुआ रहता है, लेंथ ऑफ स्केल निकाल के हम लोग उसको आसानी से बना सकते हैं। तो अगर लेंथ ऑफ स्केल नहीं भी दिया हुआ रहेगा तो कोई बात नहीं है, ऑप्शन नंबर से है सी हो जाएगा, जो नॉट इसेंशियल इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट, विच स्केल रिप्रेजेंट ओनली टू यूनिट्स और ए यूनिट्स एंड इट्स सब डिवीजन। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा स्केल है जो जनरली दो गो यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, या ए गो यूनिट को रिप्रेजेंट करता है और इसका कुछ सब डिवीजन्स को भी दिखाता है, ऐसे होता है ना बीच बीच में। तो कौन सा, तो डायगोनल स्केल में तो तीन गो यूनिट हम लोग मेजरमेंट करते हैं। अब ओनली टू यूनिट्स की बात कर रहा, तो ओनली टू यूनिट की बात कर रहा, तो ओनली टू यूनिट के लिए हम लोग प्लेन स्केल का इस्तेमाल करते हैं। प्लेन स्केल एक ऐसा स्केल है जिसके मदद से दो यूनिट तक हम लोग बढ़िया से एक्यूरेसी के साथ
मेजरमेंट कर सकते हैं कोई भी यूनिट को। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच स्केल इज इम्प्लॉयड वेन वी नीड टू मेजर इन टू थ्री यूनिट। अगर मेरे को थ्री यूनिट्स का जरूरत पड़ेगा तो हम लोग कौन सा स्केल को इम्प्लॉय करेंगे, मतलब कौन सा स्केल को नौकरी में रखेंगे। विच स्केल इज इम्प्लॉयड वेन वी नीड टू मेजर इन थ्री यूनिट, जब मेरे को थ्री यूनिट्स का जरूरत पड़ेगी तो कौन सा स्केल का इस्तेमाल करेंगे। प्लेन स्केल, स्केल ऑफ कॉर्ड, वर्नियर स्केल, डायगोनल स्केल। तो डायगोनल स्केल का इस्तेमाल करिए, सबसे बढ़िया बेस्ट। तो डायगोनल स्केल की मदद से हम लोग थ्री यूनिट तक आसानी से और बढ़िया से मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं। इसको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 80 के बाद देखिए 81, वी नीड ए स्केल, मतलब हम लोगों को एक स्केल का जरूरत है। विच हैज टू शो, जो दिखाता क्या हो, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, यानी तीन को यूनिट दिखा रहा हो, तो तीन को यूनिट कौन दिखा सकता है। तो विच स्केल डू योर प्रीफर, तो आप कौन सा स्केल के लिए प्रीफर करेंगे। तो डायगोनल स्केल, प्लेन स्केल, वर्नियर स्केल, कॉम्पेरेटिव स्केल। तो मेरे को तीन को स्केल दिखाना है, मतलब तीन को यूनिट दिखाना है, तो उसके लिए कौन सा स्केल का जरूरत है जो ज्यादा पॉपुलर है। तो डायगोनल स्केल, डायगोनल स्केल एक ऐसा स्केल है जिसमें से हम लोग तीन, जिसके माध्यम से, जिसके मदद से तीन को यूनिट हम लोग आसानी से मेजरमेंट कर सकते हैं। डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर आसानी से मेजरमेंट कर सकते हैं डायगोनल स्केल की मदद से। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डायगोनल स्केल, करेक्ट। नेक्स्ट 81 के बाद देखिएगा 82, द मैक्सिमम लेंथ इज 50 मीटर, मैक्सिमम लेंथ कितना 50 मीटर एंड लेंथ ऑफ स्केल इज 10 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ स्केल कितना 10 सेंटीमीटर। फाइंड द रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, यानी रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर्स की बात कर रहा है। तो आर एफ बराबर होता क्या है, लेंथ ऑफ स्केल अपॉन में मैक्सिमम लेंथ। तो देखिए, तो लेंथ ऑफ स्केल कितना है, द मैक्सिमम लेंथ 50 मीटर एंड लेंथ ऑफ स्केल 10 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ स्केल 10 सेंटीमीटर, मैक्सिमम लेंथ कितना 50 मीटर। कैलकुलेशन करिए तो 10 बटा 50 मीटर को सेंटीमीटर में 100 से ये खत्म, यानी यहाँ से आर एफ क्या निकलेगा, 1/500। आर एफ बराबर क्या निकला, 1/500। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, करेक्ट। यानी द मैक्सिमम लेंथ इज 50 मीटर एंड लेंथ ऑफ स्केल इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर्स। तो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर्स यानी आर एफ का जो वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा, 1/500 के बराबर डी। नेक्स्ट देखिएगा कंडीशन, गिव रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर्स एज 4/50, यानी आर एफ दिया हुआ है 4/50 एंड मैक्सिमम लेंथ इज 100 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ स्केल। तो देखिए, तो आर एफ बराबर होता क्या है, लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ स्केल अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम लेंथ। आर एफ क्या है, आर एफ है 4/50, ये मैक्सिमम लेंथ इन्हें जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैक्सिमम लेंथ 100 सेंटीमीटर दिया हो, तो 100 सेंटीमीटर यहां पे आ जाएगा, बराबर क्या बन जाएगा, लेंथ ऑफ स्केल बन जाएगा। ठीक है, तो ये 50 दूनी की 100, तो लेंथ ऑफ स्केल चार दूनी की 8 सेंटीमीटर है ऑप्शन में, देखिए है ऑप्शन में 8 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इन प्रिपेयरिंग ए प्लेन स्केल, मेरे को प्लेन स्केल बनाना है, ठीक है, ऑफ फीट एंड यार्ड। देखिए, एक फीट बराबर 3 यार्ड होता है, याद रखिएगा। एक फीट बराबर 3 यार्ड, नहीं उल्टा लिखा रहा, 1 यार्ड बराबर 3 फीट होता है ना। तो इन प्रिपेयरिंग ए प्लेन स्केल, जब हम लोग प्लेन स्केल बनाएंगे तो फीट और यार्ड के बीच का रिलेशन बांटेंगे, ठीक है। तो
फर्स्ट डिवीजन इज टू बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सब डिवीजन, यानी जो फर्स्ट लाइन रहेगा ना उसको कितना पार्ट्स में बांटेंगे। तो देखिए, एक यार्ड बराबर जब 3 फीट हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बांटेंगे, 3 इक्वल इक्वल पार्ट में, ठीक है। और प्रत्येक पार्ट्स क्या कहलाएगा, 1 फीट, ये भी 1 फीट, ये भी 1 फीट, और ये 3 फीट यहाँ से यहाँ तक का टोटल 3 फीट हो जाएगा। और वही 3 फीट को हम लोग 1 यार्ड के नाम से जानते हैं, यानी 1 यार्ड को हम लोग 3 इक्वल इक्वल पार्ट में बांटेंगे और प्रत्येक पार्ट्स 1 फीट कहलाएगा, उसको 3 इक्वल इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे। नेक्स्ट, इन प्रिपेयरिंग प्लेन स्केल, फिर से बोल रहा है कि अगर हम लोग प्लेन स्केल बना रहे हैं ऑफ फीट एंड इंच, अब फीट और इंच के बीच का रिलेशन, तो 1 फीट बराबर कितना इंच होता है, 12 इंच होता है, ठीक है। तो हाउ मेनी सब डिविजन्स डू द फर्स्ट डिवीजन इज टू बी डिवाइडेड, फर्स्ट डिवीजन को हम लोग कितना पार्ट्स में बांटेंगे, तो अब जब 1 फीट बराबर 12 इंच है तो इसको हमको 12 इक्वल इक्वल पार्ट्स में बांटना होगा, बढ़िया से एकदम, ठीक है। हम उसको 12 इक्वल इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे, तो इसको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, यानी फीट और इंच के बीच का रिलेशन को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, 86, द डायगोनल स्केल आर यूज्ड व्हेन मेजरमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन 3 यूनिट्स, अगर मेजरमेंट रिक्वायर्ड है, अगर डायगोनल स्केल के लिए मेरे मतलब डायगोनल स्केल के लिए कितना यूनिट जरूरत है मेजरमेंट करने के लिए, तो 3 यूनिट्स जरूरत है, 3 यूनिट तक हम लोग डायगोनल स्केल की मदद से मेजरमेंट कर सकते हैं, 3 यूनिट हो जाएगा करेक्ट। आगे, इफ ए डायगोनल स्केल इज टू बी मैड विथ ए मीटर डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर, अगर डायगोनल स्केल में हमको मीटर डेसीमीटर और सेंटीमीटर दिखाना है, देन हाउ मेनी डिविजन्स इज टू बी मैड वर्टिकली, वर्टिकली कैगो डिवाइड करेंगे, तो वर्टिकली मीटर, देखिएगा यहाँ पे मीटर डेसीमीटर और सेंटीमीटर है, तीनों के बीच का रिलेशन मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर, तो 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर और 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, यानी वर्टिकली क्या पार्ट से बटेगा, 10 पार्ट में बटेगा, सब 10-10 का रिलेशन दे रहा है, तो 10 का मिली सेंटी डेसीमीटर बताया गया था ना, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, वो लेंथ वाला आपको याद रखना है कि सबके बीच का रिलेशन क्या होता है। आगे, इफ ए डायगोनल स्केल इज टू बी मैड विथ ए यार्ड फीट एंड इंच, देन हाउ मेनी डिविजन्स इज इट हैज टू बी मैड वर्टिकली, तो अभी यहाँ पे कितना पार्ट्स में हम लोग इसको बांटेंगे, सो देखिएगा, तो 1 फीट यहाँ पे है ना, 1 फीट, 1 फीट बराबर 12 इंच हो जाएगा, एगो यार्ड और फीट का रिलेशन, यानी 1 यार्ड बराबर कितना हो जाएगा, 3 फीट हो जाएगा, और यहाँ पे 1 फीट, यानी 1 यार्ड बराबर 3 फीट, और इस 3 फीट में से 1 फीट को 12 इंच में बांटेंगे, तो ये जो बनने वाला है ना आपको इंच, यानी शुरू यार्ड दिखाएगा, फिर इन्हें फीट दिखाएगा, फिर इन्हें इंच दिखाएगा, तो उसको 3 इक्वल इक्वल पार्ट्स में मेरे को बांटना होगा। मेरे को ना यार्ड फीट एंड इंच दिखाना है, एक यार्ड बराबर 3 फीट, 1 यार्ड बराबर 3 फीट, ठीक है, 1 फीट बराबर 12 इंच, यानी वर्टिकली मेरे को चाहिए ना, यानी 1 यार्ड अगर मान लेते हम ये लंबाई ले लेते हैं, ठीक है, इस लंबाई को हम लोग 3 इक्वल इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे, 1, 2 मान लेते हैं, 2 के बाद 3 इक्वल इक्वल पार्ट में वर्टिकली हम लोग बांटे, द हाउ मेनी डिविजन्स इट हैज टू बी मैड वर्टिकली, फिर ये हो जाएगा 1 फीट, ये वाला हो जाएगा 1 फीट, ये हो जाएगा 1 फीट, फिर इस 1 फीट को हम लोग क्या करेंगे, 12 इक्वल इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे वर्टिकली, 1, 2, 3, 12 इक्वल इक्वल पार्ट में बांटेंगे, तो फिर इधर मेरे को ना चाहिए उधर ना 12 इक्वल इक्वल पार्ट्स चाहिए, नहीं वर्टिकली 12 इक्वल इक्वल पार्ट्स यहीं पे अगर चाहिए मेरे को,
इफ ए डायगोनल स्केल इज टू बी मेड विथ ए यार्ड फीट एंड इंच, यानी इसमें सबसे बड़ा यूनिट यार्ड ही है, तो यार्ड फीट एंड इंच, देन हाउ मेनी डिविजन्स इट हैज टू बी मेड वर्टिकली। इसमें तो सबका मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर सबका रिलेशन था, तो इसमें तो ज्यादा भारी नहीं लगा। इसमें क्या है ना कि डायगोनल स्केल तो है, मैड विथ ए यार्ड फीट एंड इंच है, तो हाउ मेनी डिविजन्स इट हैज बीन मैड वर्टिकली, यहाँ पे वर्टिकली क्या को डिवीजन किया जाए। तो ये तो यहाँ से यहाँ तक का एक फीट है, तो एक फीट को तो ये 12 पार्ट में बांटेगा, तो प्रत्येक पार्ट तो मान लेते हैं इधर फीट दिखाएगा, फिर इधर इंच दिखाएगा, तो यार्ड कहाँ दिखाएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना। अच्छा मान लेते इधर दिखा, क्योंकि एक यार्ड बराबर 3 फीट है, अब यहाँ पे क्वेश्चन भी नहीं दिया हुआ कि मैक्सिमम कितना यार्ड है, तो मैक्सिमम कुछ दिया हुआ रहता तो पता चल जाता, लेकिन यहाँ पे एक यार्ड की ही बात कर रहा है ना, तो एक यार्ड को 3 फीट और 3 फीट को फिर 12 इक्वल इक्वल पार्ट में बांटेंगे, तो प्रत्येक ठीक है वर्टिकली ना इसको तीन को पार्ट में बटेगा, एक एक दो तीन को बस, तो इसमें ना वर्टिकली जाएगा तीन को जाएगा इसमें मैक्सिमम। वी कैन ड्रॉ डायगोनल स्केल फॉर मीटर फीट एंड इंच, देखिए यहाँ पे अभी मीटर फीट एंड इंच ये नहीं बनेगा, इस मीटर के जगह यार्ड रहता ना तो यार्ड फीट इंच तब डायगोनल स्केल बन सकता था, अब यहाँ पे देखिए मीटर मीटर फीट और इंच के बीच का रिलेशन फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, कैसे पॉइंट में आएगा, तो आप लाइन को कितना पॉइंट में काटेगा, क्या ये पॉसिबल नहीं है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज यूज टू एक्यूरेटली मेजर्ड माइन्यूट डिविजन, यानी बहुत एक्यूरेटली मेजरमेंट करना और माइन्यूट डिवीजन तक मेजरमेंट करना, तो उसके लिए जनरली हम लोग कौन सा स्केल का इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए हम लोग प्लेन स्केल का नहीं, डायगोनल स्केल का नहीं, हाँ डायगोनल स्केल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि डायगोनल स्केल से 3 यूनिट तक अच्छे से मेजरमेंट कर लेते हैं, तो डायगोनल स्केल की मदद से हम लोग अच्छे से और एक्यूरेटली मेजरमेंट कर सकते हैं माइन्यूट डिवीजन के साथ। परपेंडिकुलर कैन नॉट बी ड्रॉन यूजिंग, इसमें से किसके मदद से परपेंडिकुलर लाइन नहीं खींच सकते, तो टी स्क्वायर से खींच सकते, स्ट्रेट स्क्वायर से, प्रोटेक्टर से, ये प्रो सर्कल से, सर्कल से 90 डिग्री खींचना पॉसिबल नहीं है। द लेंथ थ्रू परपेंडिकुलर गिव्स द शॉर्टेस्ट लेंथ फ्रॉम ए पॉइंट टू बी लाइन, देखिए द लेंथ थ्रू परपेंडिकुलर गिव्स द शॉर्टेस्ट लेंथ फ्रॉम ए पॉइंट टू बी ए लाइन, क्या वो एक लाइन कहलाएगा, देखिए तो इस तरह से लेंथ थ्रू परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ये इस लाइन के ऊपर यहाँ पे परपेंडिकुलर है, गिव्स द शॉर्टेस्ट लेंथ फ्रॉम ए पॉइंट, यानी इस पॉइंट से या इस पॉइंट से या इस पॉइंट से जो शॉर्टेस्ट लेंथ, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ या ये वाला लेंथ जो रहेगा वो एक प्रकार का लाइन कहलाएगा, फ्रॉम ए पॉइंट टू बी लाइन, तो एक लाइन कहला रहा, बिल्कुल देखिए तो एक स्ट्रेट लाइन इन्हें बनी रहा, अगर इसको कंसिडर करिएगा तो ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ये स्टेटमेंट तो सही है। While drawing a perpendicular line, देखिए जब लाइन हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से यहाँ पे कांटा रखते हैं और आधा से ज़्यादा स्केल लेके ऊपर में अर्क काटते हैं और एन ए से आधा से ज़्यादा, फिर इसको अर्क काट के और इसको ऐसे करके मैच करवा देते हैं, तो ये बराबर बराबर भाग में इक्वल इक्वल पार्ट में 90 डिग्री पे बढ़ जाता है, ये कंडीशन है, वही बोलता है। While drawing a perpendicular line, जब हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो थ्रू ए पॉइंट, एक पॉइंट से विच इज नियरर टू बी द मिडिल ऑफ द गिवन लाइन, मतलब कि जो लाइन दिया हुआ उसके लाइन के जस्ट करीब में कुछ एक पॉइंट कट होता है, और वो जो वो इज कट एट द टू पॉइंट्स ऑन द लाइन, यानी इस लाइन के जो दोनों पॉइंट है ना, इस दोनों पॉइंट से कट करता है, तो क्या चीज कट कर रहा है, देखिए तो इस पॉइंट से आधा से ज्यादा डिस्टेंस एगो ऊपर में आर्क काटते हैं, तो इस पॉइंट से ज्यादा डिस्टेंस ऊपर में आर्क काटते हैं, यानी यहाँ पे आर्क काटते हैं, अगर कोई भी लाइन का जो परपेंडिकुलर लाइन है उस लाइन के करीब, उस लाइन के दोनों एंड पॉइंट से ऊपर या नीचे भी बोल सकते हैं, ऊपर या नीचे जो हम लोग कटिंग करते हैं ना, वो एक
आर्क कट करते हैं, और वो जो आर्क कट करता है ना, यहाँ से जब आर्क बनाएंगे तो इसका एक सर्कल बनेगा, इसका जब हम लोग आर्क बनाएंगे तो दोनों का जो रेडियस होगा ना वो इक्वल इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या फिलअप होगा? आर्क होगा, आर्क, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, वाइल ड्रॉइंग ए परपेंडिकुलर टू ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट, फिर वही सेम कंडीशन दे रहा है, विद इन द लाइन बट नियरर टू बी एंड ऑफ द लाइन, नियरर टू बी द एंड ऑफ लाइन, तो ऑल द आर्क्स ड्रॉ इन द प्रोसेस आर, तो जो आर्क वहां पे ड्रॉ हुआ था वो क्या डिफरेंट रेडियस का था? नहीं, डिफरेंट रेडियस बट वन, सेम रेडियस बट वन, दोनों का दोनों सेम रेडियस का बनेगा वहां पे, ठीक है, दोनों का दोनों सेम रेडियस। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पैरालेल लाइंस ऑफ देयर इन रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन में देखिए तो एक ई वाला पैरालेल है, एक ई वाला पैरालेल है, एक ई वाला पैरालेल है, यानी तीन गो लाइन एक दूसरे के पेयर में, पेयर में बात करा जोड़ा में, ये जोड़ा बन जाएगा एगो जोड़ा, ये दो गो जोड़ा, एगो ई वाला, तीन गो जोड़ा, यानी तीन गो जोड़ा बन गया ना। तो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पैरालेल लाइंस आर देयर इन रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन में जो पेयर ऑफ पैरालेल लाइन है वो क्या होगा? तीन गो है। नेक्स्ट, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पैरालेल लाइन आर देयर इन रेगुलर पेंटागोन, तो पेंटागोन में पांच गो साइड होता है, तो पांच गो साइड होता है, तो इसमें पैरालेल पॉसिबल है? ये कहाँ, इसका पैरालेल तो कोई है ये नहीं, इसका भी पैरालेल कोई नहीं है, तो जाके ना जाके मिल जाएगा, तो एक को नहीं है पेयर इसमें पैरालेल लाइन, एक दूसरे के पहले तो पैरालेल नहीं है, तो इसका जीरो हो जाएगा। व्हाट इज द सैप विथ एन नंबर ऑफ साइड इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल कॉल्ड, यानी एन नंबर ऑफ साइड से बना हुआ सैप आकार, और प्रत्येक का जो साइड होगा ना वो इक्वल इक्वल होगा, तो उस प्रकार का सैप को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुभुज के नाम से जानेंगे, जिसके अंदर बहुत सारी भुजाओं से बन रहा है, उसको जनरली रिक्टेंगुलर में कहा इक्वल तो होवे नहीं करता, और इसमें चार गो साइड होता है, जबकि यहाँ पे एन नंबर ऑफ साइड बोला है, सर्कल पॉसिबल नहीं, ट्रायंगल भी नहीं होगा, रेगुलर पॉलीगोन होगा, रेगुलर पॉलीगोन में एन नंबर ऑफ साइड हो जाएगा और प्रत्येक साइड इक्वल इक्वल बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। द लाइन गिवेन बिलो इज, ये देखिए लाइन है यहाँ पे मोटा है, फिर इधर पतला पतला है, फिर यहाँ पे देखिए मोटा है, तो ये किस तरह किसका लाइन है? ये तो ये है कटिंग लाइन, यानी कटिंग प्लेन का ये लाइन है ना, जिसके एक्सिस के अबाउट, मान लेते किसी एक्सिस को, एक्सिस के अबाउट कुछ कट करना है ऑब्जेक्ट को, यही वाला लाइन खींचा जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कटिंग प्लेन। ऑटो कैड वॉज डिस्कवर डेवलप्ड बाय, देखिए ऑटो कैड एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो ऑटो कैड जो सॉफ्टवेयर है वो कौन डिजाइन किया था? क्या माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेट वाले लोग, यानी जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वाले लोग हैं, बिल गेट्स वाले लोग, क्या उन लोग खोज किए थे, या एप्पल कंपनी वाले लोग खोज किए हैं ऑटो कैड का, या फिर ऑटो डेस्क इंच, यानी देखिए ये ऑटो डेस्क इंच ये खोज किए है ऑटो डेस्क, ये ऑटो कैड सॉफ्टवेयर का, और ऑटो कैड सॉफ्टवेयर अभी के समय में इतना यूज होता है, इतना यूज होता है, हर एक लोग यूज होता है, करता है इंजीनियर्स लोग, इतना होता है, इतना यूज होता है, इतना होता है कि क्या बताएं, इतना यूज होता है, बहुत यूज होता है। तो ऑटो डेस्क इंच ये कंपनी इसको क्रिएट किया। ऑटो कैड वॉज फर्स्ट रिलीज इन, ऑटो कैड कब रिलीज किया गया था? जब हम और आप पैदा भी नहीं लिए होंगे ना, उसी समय ऑटो कैड सॉफ्टवेयर रिलीज कर दिया गया था। लेकिन जब हम लोग इंजीनियरिंग में घुसते हैं ना, तब पता चलता है कि अच्छा ऑटो कैड का भी, ऑटो कैड नाम का भी कोई एक प्राणी होता है ना। तो ऑटो कैड वॉज फर्स्ट रिलीज इन, तो ऑटो कैड फर्स्ट कब रिलीज किया गया था? 1982 में, ठीक है, 1982 में फर्स्ट बार ऑटो कैड को रिलीज किया गया था, याद रखिएगा। तो ऑटो कैड से भी संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को पूछती है और बताएंगे भी आपको। बस आज का जो सेशन रहेगा, आज का सेशन यहीं तक रहेंगे। आज का सेशन कैसा लगा सब लोग जरूर एक बार कमेंट करके बताइएगा। हर एक सेशन में हम लोग 25 क्वेश्चंस का कवर कर रहे हैं, सभी लोग कवर करते चलिएगा, सभी लोग पढ़ते चलिएगा, जो नहीं पढ़े हैं आप लोग भी प्लेलिस्ट में जाकर अच्छे से सब लोग पढ़ते हुए चलिएगा, क्योंकि बिना पढ़े हुए फिर पॉसिबल नहीं है, फिर सोचिएगा कि बढ़िया नंबर आ जाए, पिछले फर्स्ट सेमेस्टर से बढ़िया नंबर आए, तो नहीं पढ़िएगा तो फिर नहीं आएगा, इसीलिए कवर करते हुए चलना है। तो बस आज का जो सेशन, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, फिर मुलाकात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। जाते जाते सब लोग वीडियोज को लाइक करते हुए जाइएगा, जो भी नए लोग हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। बाय बाय।